नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी गुरु चैनल में। आज हम रिवीजन टाइम टेबल को लेकर बात करने वाले हैं। आप अपनी पढ़ाई के साथ रिवीजन किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं और साथ में आप 90% किस प्रकार से बना सकते हैं। हम आपको रिवीजन करने के दो तरीके आपको बताने वाले हैं। सबसे बेस्ट तरीका, जो टॉपर जो स्टूडेंट रहते हैं वो कौन सा तरीका अपनाते हैं रिवीजन करने का, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि अगर आप 90% बनाना चाहते हैं या फिर इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप रिवीजन करके एक अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं, क्योंकि रिवीजन परसेंट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रिवीजन करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला है कि आप अपने सिलेबस के साथ अपना रिवीजन करते चलें, या फिर अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आप अपना रिवीजन को स्टार्ट करें। तो सबसे अधिक फ़ायदा कौन से रिवीजन से होता है? तो दोस्तों सबसे अधिक फ़ायदा होता है आप अपने सिलेबस के साथ अपना रिवीजन करते चलें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ अपना रिवीजन भी कंप्लीट कर लेते हैं, और इसके अलावा आपके पास काफ़ी सारा टाइम भी मिल जाता है, जिसमें आप जो परीक्षा बोध या नवबोध जिनमें प्रैक्टिस सेट रहते हैं तो आप उनको करके आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि हम किस लेवल पर हैं। और इसके अलावा आपके पास इतना टाइम रहता है कि आप एक बार और रिवीजन कर सकें। तो ये सभी फायदे आपको मिलते हैं, क्योंकि जो टॉपर स्टूडेंट रहते हैं वो सिर्फ एक बार अपना रिवीजन नहीं करते बल्कि 2 या 3 बार अपना रिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, आप अपनी पढ़ाई के साथ एक बार रिवीजन कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी पढ़ाई के साथ रिवीजन कंप्लीट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों मैं आपको रिवीजन टाइम टेबल बनाकर बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से बना सकते हैं, किस प्रकार से अपना पढ़ाई के साथ रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको टाइम टेबल नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है वो किसी का स्कूल टाइम हो या फिर किसी का कोचिंग टाइम हो, इसलिए आप इसको समझ लें कि आपको किस प्रकार से तैयारी करना है, अपना रिवीजन करना है। तो दोस्तों आपको सिर्फ 24 घंटे में से 1.5 घंटे का समय निकालना है। आप जितना भी एक दिन में सिलेबस पढ़ते हो सभी सब्जेक्टों को, उसको सिर्फ आप 1.5 घंटे में रिवीजन कर सकते हो। 1.5 घंटे में से आप प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 15 मिनट या फिर 20 मिनट दे सकते हैं, और 15-20 मिनट में भी आप अपना डेली का रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। और रिवीजन आपको कब का करना है? आपको एक हफ्ता पुराना आपने जो भी पढ़ा था उसका आपको रिवीजन करते चलना है, क्योंकि आपने आज पढ़ा है आज उसका रिवीजन करोगे तो आपको शायद इतना फ़ायदा न मिले जितना कि आप अगर एक हफ्ते पुराना ये रिवीजन करते हो तो। क्योंकि आज आपने जो पढ़ा है वो तो आपको वैसे ही भी याद करना है, और इसके लिए अगर आप एक हफ्ता पुराना है वो अगर आप उसको रिवाइज करते हो तो उसके आपका ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आपका डेली का रिवीजन 1.5 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में हर संडे के दिन आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो संडे को आपको कुछ नहीं करना, कोचिंग भी बंद रहती है, स्कूल भी बंद रहते हैं, तो ऐसे में आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। और आपको संडे के दिन एक पुराना पेपर उठाएं, उसका आप टेस्ट करके ज़रूर देखें आप किस लेवल पर हो, आपकी तैयारी किस लेवल पे है। आप उसको अच्छे से स्वयं चेक कर सकते हैं कि हमारी कितनी अच्छी तैयारी है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। आपको जौन सा भी टाइम मिले, तब भी टाइम मिले, आप अपना टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, और आपको 1.5 घंटे आपको टाइम निकाल कर अपना रिविज़न पढ़ाई के साथ करना है, जिससे आप अपने सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ अपना रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए और आपको दूसरा रिवीजन करने का टाइम भी मिले पर्याप्त, और जिसमें आप अपने परीक्षा अध्ययन के सेट रहते हैं उनको भी आप कंप्लीट कर सकें। क्योंकि इसी प्रकार की तैयारी अगर आप करते हो कम से कम आपकी 90% ज़रूर बनेगी, और इससे अधिक ही बन सकती है अगर आप इस प्रकार की तैयारी करते हैं तो, क्योंकि टॉपर जो स्टूडेंट होते हैं वो कुछ इसी प्रकार से अपनी तैयारी जारी रखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मोटिवेशनल बना रहे और इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाते रहें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और साथ में आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।